मूवी की स्टार्टिंग में 1914 का सीन दिखाया जाता है, जहां नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पे जा रहा होता है वहां के वेदर ऑफिसर को बदलने के लिए, क्योंकि उसका वर्किंग पीरियड खत्म हो गया है। अब उसकी जगह पे यह रहकर वेदर का हाल बताएगा। मूवी में हमें इसका नाम नहीं बताया गया है। इसके साथ ही उस शिप का कैप्टन और बाकी मेंबर होते हैं जो कि उसे उस आइलैंड पे छोड़कर वापस चले आएंगे। फिर कुछ देर बाद वो उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही वीरान था। वहां पर एक पक्षी भी नहीं दिख रहा था। वहां पर उसके लिए घर होता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, पर उसे यहीं पर रहकर पूरे एक साल के मौसम का हाल बताना होगा। वहां से एक लाइट हाउस दिखता है और वहां पर कैप्टन के साथ वह जाता है उसे चेक करने के लिए। वहां पर उन्हें एक टेक्नीशियन मिलता है जो अपना नाम ग्रूनर बताता है। वो सो रहा होता है, उसे कैप्टन जगाता है, उसे वहां के पहले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रूनर बताता है कि वह मर गया, उसे कोई बीमारी हो गई थी। यह सुनकर कैप्टन कहता है कि वह मर गया तो उसकी बॉडी कहाँ पर है, जिस पर ग्रूनर बताता है कि एक दिन वो समुद्र की तरफ गया था, तब से वो वापस लौट के नहीं आया है। फिर कैप्टन वहां से जाने लगता है और उस लड़के को एक गन देता है और बताता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए इसे तुम अपने पास रखो। यह कहकर उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। अब वह सब एक साल बाद आएंगे उसे लेने के लिए। फिर रात होती है, वह ऐसे ही घर में बैठा था तो उसे एक डोर में एक डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगता है। उस डायरी में उस आइलैंड के बारे में लिखा होता है और साथ ही अजीबोगरीब क्रिएचर की तस्वीरें बने होती हैं और उसे उस डायरी में एक लड़की की फोटो मिलती है। यह डायरी वहाँ के पहले वाले वेदर ऑफिसर का होता है, वो यहाँ अकेला रहता था तो इसलिए डायरी बनाया होगा। वह डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है, सुबह अपने काम पर लग जाता है। फिर रात को अपना काम कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके दरवाजे पर है। उसे लगता है कि ग्रूनर है, पर आवाज से ग्रूनर नहीं लग रहा था। फिर वो दरवाजे के जाकर देखता है कि कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ पड़ा रहा है जो कि किसी क्रिएचर का लगता है। यह देखकर वह डर जाता है और नीचे पेसमेंट में छिप जाता है। फिर वह पेसमेंट के दरार में से देखता है, उसे किसी क्रिएचर का चेहरा दिखता है। वह सारी रात पेसमेंट में बिताता है। सुबह जब वह घर से बाहर निकलता है तो उसे अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि किसी क्रिएचर के लग रहे थे जो सीधा समुंदर की तरफ जा रहे थे। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह लाइट हाउस में ग्रूनर के पास जाता है, लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता है, जिस पर वो वापस चला आता है। वह जानता था कि कल रात जो क्रिएचर आए थे वह आज रात भी आएंगे, जिस पर वो अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री बना देता है और उनसे अपने घर को सेफ्टी बनाता है। किस्मत से उसे एक राइफल मिल जाती है और साथ ही बहुत सारी गोलियां भी। अब जान बचाना उसके लिए थोड़ा आसान हो गया था। रात को वह क्रिएचर फिर से आते हैं और इस बार वह ज्यादा मात्रा में आए थे। उसके लिए इन सबसे अकेले लड़ना आसान नहीं होगा, पर क्या कर रहे, अकेले लड़ना उसकी मजबूरी थी। वह सारे क्रिएचर चारों तरफ से उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह आग लगा देता है, जिससे वह सारे क्रिएचर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उससे यहां रहना आसान नहीं था क्योंकि उसके केबिन के दरवाजे में आग पकड़ ली थी, जिस पर वह एक चादर उड़कर किसी तरह से बचते हुए बाहर निकल जाता है। फिर किसी पत्थर के पीछे छिपकर रात बिताता है। सुबह वह ग्रूनर का पीछा करते करते एक झरने के पास चला जाता है, तभी वहां पर एक क्रिएचर आती है। उसे लगता है कि वह उसे मारना चाहती है, जिस पर वह किसी तरह काबू पा जाता है, जिसकी वह जान लेने वाला ही होता है। तभी वहां पर ग्रूनर आ जाता है और कहता है उसे छोड़ दो, ये हार्मलेस है, यह मेरी पालतू है। फिर वह उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास चली जाती है। दोनों को कुछ न कुछ एक दूसरे से चाहिए होता है तो दोनों में डील होती है, जिससे वह कहता है कि उसे लाइट हाउस में रहने दे, जिस पर ग्रूनर मान जाता है। यहाँ ग्रूनर उसका नाम फ्रेंड रखता है। दोनों सारा सामान लेकर लाइट हाउस में आ गए। फिर अंदर आते ही फ्रेंड आराम से सो जाता है। जब फ्रेंड की आँख खुलती है तो वह क्रिएचर उसका हाथ चाट रही थी, इससे वह डर जाता है। लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे हील होने लगता है। फ्रेंड समझ गया कि वह सचमुच हार्मलेस है, जिस पर फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि क्या ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है, जिस पर ग्रूनर कहता है कि एक बार इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस पर मैंने इसे अच्छी तरह ट्रेंड किया, तब से यह मेरी पालतू है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। फिर फ्रेंड कहता है कि तुम चाहते तो मेरी शिप से वापस जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए, हालांकि यह सब तुम्हें पता भी था। जिस पर ग्रूनर कहता है कि मैं अब उस दुनिया में वापस जाना नहीं चाहता, यहाँ मेरी एक अलग ही दुनिया है और मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे पास गुलाम भी है। यहाँ पर मैं जैसा चाहूँ वैसे रह सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा खा सकता हूँ और मेरा यहाँ पर दिल भी लग गया है। जिस पर फ्रेंड कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, लेकिन जैसे ही कोई नेवी शिप यहाँ पर आती है मैं उसे इशारा दे दूंगा कि मुझे अपने साथ ले चले। ग्रूनर बताता है कि यहाँ पर कोई शिप नहीं आने वाली है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई जहाज आती है जिसमें से एक तुम्हारी शिप थी जो कि अब एक साल बाद आएगी। ग्रूनर कहता है कि
तुम परेशान मत हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात में हमला करते हैं, दिन में नहीं, तो बस रात में तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ। अब ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर ले छोड़ देता है तो वह रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ साथी क्रिएचर वहाँ आने लगते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं, तो ग्रूनर उन पर गोलियां चलाने लगता है और फ्रेंड को भी कहता है कि तुम भी शूट करो, लेकिन फ्रेंड से यह सब नहीं होता है और वो बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ सारी रात ग्रूनर उन क्रिएचर से लड़ता रहता है और सुबह होने पर फ्रेंड को जगाकर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, इन क्रिएचर से लड़ना पड़ेगा। फिर वो फ्रेंड को पानी लाने के लिए बाहर भेज देता है। फिर जब वो पानी लेकर वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर का रेप कर रहा होता है। यह देखकर फ्रेंड को काफी अजीब लगता है। फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। अब फिर रात होती है तो वो सब सारे क्रिएचर फिर वापस आने लगते हैं। अब फ्रेंड भी उन सब पर गोलियां चलाने लगता है। यह देखकर ग्रूनर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और उसे अकेला लड़ने के लिए छोड़ देता है। अगली सुबह ग्रूनर जब बालकनी में जाकर देखता है तो फ्रेंड पूरी तरह खून में लथपथ था, लेकिन वह जिंदा था, वह मरा नहीं था। यानी फ्रेंड भी अब हंटिंग करना सीख गया है और उनकी टीम मजबूत हो गई है। फिर से रात हो जाती है, इस बार क्रिएचर नहीं आते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि वह क्रिएचर शायद डर गए होंगे इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ग्रूनर कहता है कि नहीं, हमने उन्हें मारकर उनको कम कर दिया था, इसलिए वह अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं और फिर हम पर वो अटैक करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि वह क्रिएचर जो उनके साथ रह रही थी उस पर फ्रेंड को काफी तरस आने लगता है कि वह अपने फैमिली से दूर रह रही है। वह उसका नाम एनेरिस रखता है। अब काफी रातें गुजर चुकी थी लेकिन अब तक किसी क्रिएचर ने उन पर हमला नहीं किया था, तो यह लोग चेस खेलने लगते हैं जिस पर फ्रेंड उसे हरा देता है, जिस पर ग्रूनर काफी गुस्सा होता है और इतना गुस्सा होता है कि वह गन तान देता है और फायर भी कर देता है, लेकिन फ्रेंड पर नहीं बल्कि एनिमी पर। बातों बातों में वह आज उन क्रिएचर को भूल गए थे जिसका मौका उठाकर उन सबने इन पर अटैक कर दिया था। इस बार हालत काफी गंभीर होता है क्योंकि आज रात की कोई इनकी प्लानिंग नहीं थी। हमले में ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है लेकिन दोनों की जान बच जाती है और एनेरिस ग्रूनर का पांव चाटकर उसे ठीक कर रही थी, क्योंकि उसके सलेवा में ऐसी चीज होती है जो किसी भी जख्म को हील कर सकती है। एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो उसे एक शिप नजर आती है। वह भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि उन्हें इशारा दे सके कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वह इससे पहले कि फ्लेयर गन चलाता उसे ग्रूनर मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वहां पर कोई आए। लेकिन फ्रेंड यहां से जल्द निकलना चाहता था और यहीं पर दोनों की फाइट होने लगती है। यह देखकर एनेरिस ग्रूनर पर अटैक कर देती है जिससे ग्रूनर काफी गुस्सा होता है और वह एनेरिस को मारने लगता है, जिससे एनेरिस वहां से भाग जाती है। जब एनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहां से जाना चाहता है तो उसे वह एक जगह लेकर जाती है जहां पर एक शिप होती है। फ्रेंड वह शिप देखकर काफी खुश होता है और जाकर ग्रूनर को वह सब बताता है, तो ग्रूनर कहता है कि मैं शिप के बारे में पहले से ही जानता हूं और बताता है कि यह पुर्तगीज लोगों का जहाज था। जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तब उन पर इन सब क्रिएचर ने हमला करके समुद्र के अंदर खींच लिया और उन्हें आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं मिला। मुझे इनके शिप से समुद्र के किनारे डायनामाइट यानी बम मिले थे और साथ ही बारूद भी थे, लेकिन वो सब खराब हो चुके थे। इस पर फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि चलो इनके शिप की तलाशी लेते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। जिस पर ग्रूनर कहता है कि मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता हूं, तो तुम अकेले ही जाओ। इस पर फ्रेंड कहता है कि बस तुम मेरे साथ चलो और तुम ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, पानी के अंदर मैं खुद जाऊंगा। सोचो अगर हमें माइंस मिल जाता है तो हम बहुत सारे क्रिएचर को एक साथ मार सकते हैं, लेकिन ग्रूनर मारने को तैयार ही नहीं होता है। अगले दिन समुद्र में एनेरिस होती है और फ्रेंड भी वहां पर पहुंचता है, तो दोनों साथ ही नहाने लगते हैं। ग्रूनर यह सब देख रहा होता है और उसे अंदर से जलस फील होने लगती है कि ये दोनों इतने पास कैसे आ गए। फ्रेंड लाइट हाउस आता है तो ग्रूनर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर वो लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं जिसमें ग्रूनर के इरादे ठीक नहीं लगते हैं। पहुंचने के बाद फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि अगर मैं रस्सी 3 बार खींचूं तो तुम मुझे ऊपर खींच लेना। इसके बाद फ्रेंड समुद्र के नीचे चला जाता है और उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें ढेर सारे बारूद होते हैं। वह एक एक करके बॉक्स ग्रूनर को पकड़ाने लगता है। फिर वहां पर उस सब क्रिएचर के बच्चे आ जाते हैं जिसे फ्रेंड देखकर डर जाता है और वहीं गिर जाता है। फिर 3 बार रस्सी खींचता है ताकि ग्रूनर उसे ऊपर खींच ले, लेकिन ग्रूनर उसे
मरने के लिए छोड़ देता है और रस्सी नहीं खींचता है। फिर फ्रेंड खुद ही अपनी मदद करने लगता है। वो भारी सूट होने के कारण ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो अपना सूट खोलकर समुन्द्र के ऊपर आने लगता है। फिर वह लोग वहाँ से डायनामाइट लेकर चले जाते हैं। फिर लाइट हाउस पहुंचकर उसके चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन उसके एक हफ्ते तक कोई क्रिएचर उन पर अटैक नहीं होता है। फिर इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगती है, चारों तरफ बर्फबारी होने लगती है और ग्रूनर चाहता है कि इससे पहले उन सब क्रिएचरों को मार दे, इसलिए वह हर वक्त एक्टिव रहता था कि कब वह क्रिएचर आए और मैं कब उन्हें ब्लास्ट करूं। इसके बाद ग्रूनर को बहुत ही गुस्सा आता है कि यह क्रिएचर हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तो इस बात का गुस्सा निकालने के लिए एनेरिस को टॉर्चर करने लगता है, तो फ्रेंड उसे रोकने लगता है। ग्रूनर काफी जलस था कि इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो गई है। ग्रूनर कहता है कि आज रात जैसे ही क्रिएचर आए तुम मुझे बताओगे, जिससे मैं उन्हें उड़ा दूंगा। इस बार दरवाजे पर फ्रेंड उन सब क्रिएचर का इंतजार करने लगता है। इधर ग्रूनर एनेरिस को छत पर लाता है और कहता है कि चिल्लाओ रो ताकि तुम्हारे साथी आए। इसी के साथ वह रोने लगती है और ऐसा ही होता है। वहाँ पर सभी क्रिएचर आने लगते हैं और आते ही फ्रेंड को अटैक कर देते हैं। फ्रेंड ऐसे तैसे अपनी जान बचा कर लाइट हाउस के ऊपर पहुंच जाता है। इसी के साथ ग्रूनर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और वह दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। फिर वह लोग एनेरिस को ढूंढते हैं जो वहाँ पर नहीं होती है, वो वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन एनेरिस और बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे, ये सब शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर के शक्ति की वजह से वह इन सबको मारना चाहता था, तभी यह सब उन पर अटैक करते थे। तभी वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और अपनी गन एनेरिस पर पॉइंट कर देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन एनेरिस को गुस्सा बहुत था क्योंकि वो इसके साथी को मारा था। वह इस बार ग्रूनर की बात नहीं मानती है और गुस्से से देखने लगती है। यह देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं होता और पागलों की तरह बातें करने लगता है कि यह क्या हो गया है। और इसी के साथ वह लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। फ्रेंड हड्डी से बने एक सेप को उस क्रिएचर के बच्चे को देता है। वह बच्चा उस सेप को लेने वाला ही होता है कि ग्रूनर उस पर फायर कर देता है और वो मर जाता है। अब रात होती है, यह सब क्रिएचर समुंदर के अंदर चले जाते हैं। जब फ्रेंड अंदर आता है तो ग्रूनर से फाइट करने लगता है। ग्रूनर उसे मारने वाला ही होता है कि फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुला देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही वेदर ऑफिसर हो जो मुझसे पहले यहाँ पर हाल बताने के लिए आए थे। तुम भी मेरी तरह एक वेदर ऑफिसर थे जिसके बारे में तुमने बताया था कि वह मर चुका है। यह सब सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी असलियत किसी के सामने आए, वरना उसे यहाँ से वापस बुला लिया जाएगा। उसका दिमाग खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और वह लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सब क्रिएचर मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह मर जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया था। यहाँ पर रहते रहते उसे पूरा एक साल हो चुका था। फिर वहाँ पर एक शिप का कैप्टन आता है और उसके साथ वेदर ऑफिसर था जो कि फ्रेंड की जगह पे रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वे लोग समझते हैं कि शायद ये ग्रूनर है जो कि लाइट हाउस में काम करता है, और फ्रेंड भी चुप रहता है क्योंकि अब वो वहाँ से वापस जाना नहीं चाहता है और उन्हें अपनी असलियत नहीं बताता। जब वो लोग फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वह ग्रूनर की तरह बताता है कि वह मर गया। फ्रेंड भी वैसा ही फील कर रहा था जैसा कि ग्रूनर फील करता था और उसे यहाँ पर अपनी जिंदगी काफी अच्छी लगने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि एनेरिस भागते हुए समुन्द्र में छलांग लगा देती है और तैरती हुई निकल जाती है, जिससे यहाँ पर जाहिर होता है कि यहाँ पर ये दोनों आराम से रह रहे हैं और यहाँ पर परेशान करने वाला कोई नहीं है। फ्रेंड भी अब यहाँ से जाना नहीं चाहता है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।